नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ALP टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2018 के बारे में। दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है जो कि अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, CBT फेस्ट के रिजल्ट से पहले हार्ड शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा। दोस्तों इसमें 5 से 6 नंबर बढ़ने की उम्मीद लगाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके 5 से 6 नंबर मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर किसी के 20 मार्क्स आ रहे हैं तो मान लीजिए 6 मार्क्स बढ़ गए तो उसके 26 मार्क्स हो जाएंगे, तो वो पासिंग मार्क्स में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके अगर उन्होंने जोन अच्छा चूज किया तो उसका सिलेक्शन होने की उम्मीद लगाई जा सकती है। तो चलिए क्या है ये नोटिस, उसकी पूरी आपको डिटेल में जानकारी देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं नोटिस दिखाता हूँ जो मेरे को मिला है ट्वीट, उसके बारे में बात करते हैं अपन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग गया हो तो उसे लाइक भी कर देना तथा साथ ही साथ शेयर भी कर देना ताकि आपके फ्रेंड को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और लगे हाथ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। नीचे की तरह आपको दिख रहा होगा उस पर प्रेस कर देना, प्रेस करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिस ट्वीट की हम बात कर रहे थे वो ट्वीट दोस्तों RRB ADI यानी अहमदाबाद की साइट का जो ट्विटर है उसकी अकाउंट से आया है। यहाँ पर लिखा है दी ऑब्जेक्शन ट्रैकर डाटा आर बीइंग एनालाइज्ड, जो आपने ऑब्जेक्शन ट्रैकर किया है उसका डाटा एनालाइज किया जा रहा है। रिजल्ट फॉर CBT फेस्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड यर्ड, प्लीज़ रेगुलरली विजिट RRB अहमदाबाद.gov.in फॉर अपडेट ऑन रिजल्ट। ये बोल रहा है कि आप डेली RRB की साइट को अब चेक करते रहिए, आपके रिजल्ट देखता रहिए, आपका रिजल्ट जब आएगा वहाँ पर शो कर दिया जाएगा। नीचे की तरफ एक और ट्वीट आपको दिख रहा होगा जहाँ लिखा होगा दिस शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT 2 विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इन CBT फेस्ट, यानी कि जो शॉर्ट लिस्ट की जाएगी CBT 2 की वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स CBT फेस्ट के बेस के आधार पर की जाएगी। तो दोस्तों यही ट्वीट था जो आपको दिखाना था, इसके अंदर साफ साफ लिखा है जो CBT फेस्ट की शॉर्ट लिस्ट होगी, CBT 2 के विद्यार्थी जो शॉर्ट लिस्ट होगी वो CBT फेस्ट के मार्क्स के जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके आधार पर होगी। दोस्तों यही बड़ी अपडेट थी जो मेरे को आपको देनी थी। मैं टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आती है वो आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।